हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बी एस सी स्टूडेंट। मैंने जो नया वाला यूट्यूब चैनल है यहां पर शॉर्ट ट्रिक्स अपलोड करना स्टार्ट करिए, तो यहाँ जो आईटीब है यहाँ पर जाके मेरी पुरानी शॉर्ट ट्रिक्स आप देख लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल है। सुनिए, एक सीरीज मैंने स्टार्ट करी है और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बने रहिए इस टाइप की शॉर्ट ट्रिक्स के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम आपके लिए काम करें और अगर आपका रेस्पॉन्स हमारे लिए आता है तो कहीं ना कहीं मैं भी मोटिवेट करके इस टाइप की वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो सुन, आज हम बात करेंगे ऑनटो फंक्शन के बारे में कि कैसे हम पता करेंगे ग्राफ के थ्रू कि फंक्शन ऑनटो है कि नहीं है। वन वन तो मैं बता चुका हूँ, वो आप आई टी पे जाकर देख लीजिए, राइट। तो सुन, हम बात करेंगे ऑनटो फंक्शन के बारे में। तो अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, बी गिवन फंक्शन इफ इच लाइन इन को डोमेन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एटलीस्ट वन पॉइंट, देन एफ एक्स इज ऑनटो फंक्शन। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है, इसमें हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है ना, ये एफ एक्स है, हम उस फंक्शन का ग्राफ खींचेंगे, ई की पावर एक्स खींचेंगे, राइट। अब हमारे पास डोमेन दे रखा है यहाँ पे, मतलब को डोमेन जो है वो हमारे पास रियल नंबर है, राइट। तो रियल नंबर को डोमेन है, मतलब हमारे पास माइनस इन्फाइनेट, ये हमारे पास क्या होगा, माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट, ये हमारा को डोमेन होगा। अल्टीमेटली ये हमारा डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको बता दूं कि जब भी हमारे पास ग्राफ होता है तो ये जो लाइन होती है डोमेन को रिप्रेजेंट करती है और ये वाली जो लाइन होती है को डोमेन को रिप्रेजेंट करती है, राइट। अब कोडोमेन पे जब इसका ग्राफ खींच रहे हैं हम लोग कोडोमेन पे, और उस कोडोमेन पे अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचूं तो वो कर्व को एटलीस्ट वन पॉइंट पर कट करनी चाहिए, राइट। मान लीजिए ये हमारे पास, जैसे हमारे पास ई की पावर एक्स का ग्राफ है ना। अब देखो ये इसका कोडोमेन जो है वो रियल नंबर दे रखा है, सुन ये हमारे पास कोडोमेन है, ये हमारे पास रियल नंबर है, राइट। इट मीन्स माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट हमारे पास कोडोमेन है। अगर मैं यहां पे लाइन खींचूंगा एक्स एक्सिस के पैरेलल तो इस कर्व को कट नहीं करेगी, इसका मतलब ये ऑनटो फंक्शन ही। हाँ, यहां पे जरूर कट करिए, देखिए आप। हाँ, अगर यहां पे ये रियल नंबर है, अगर इस रियल नंबर की जगह हमारे पास जीरो टू इन्फाइनेट होता, बाय चांस ये ना हो कि हमारे पास जीरो टू इन्फाइनेट हो जाता कोडोमेन, तो ये जीरो टू इन्फाइनेट पे अगर कोई भी लाइन, अल्टीमेटली एसिम्प्टोट की तरह होता है, तो कोई भी लाइन खींचेंगे हम यहां पे, तो अल्टीमेटली वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कम से कम कट करेगी करेगी। तो उस वाले केस में जब जीरो टू इन्फाइनेट होगा तब तो ये ऑनटो हो जाएगा, पर अगर यहां पे आर टू आर जाएगा तो ये नीचे वाला पोर्शन पे ये इसको एक्स एक्सिस पे पैरेलल लाइन, एक्स एक्सिस वाली जो पैरेलल लाइन है वो इस ग्राफ को कट नहीं करेगी, तो ये ऑनटो नहीं होता है। तो कहने का मतलब सीधी सीधी बात ये है कि अगर हमारे पास रियल नंबर आर टू आर दे रखा तो उसका कोडोमेन ये रहेगा, और कोडोमेन में जब एक्स एक्सिस के पैरेलल ये ई की पावर एक्स का ग्राफ होता है, इसको एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो इस लाइन, इस कर्व को सिर्फ एक जगह कट कर रही, पर नीचे वाला जो पोर्शन है वो कहीं इस कर्व को कट नहीं कर रहा एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, तो वो हमारे पास ऑनटो नहीं होगा, राइट। अब बात करते हैं अगला वाला जो क्वेश्चन है वो ये, अगर हमारे पास एफ आर टू जीरो टू इन्फाइनाइट दे रखा है, इसमें हमारे पास यहाँ पे जीरो टू इन्फाइनाइट दे रखा कोडोमेन, तो इसमें कोडोमेन हमारे पास ये वाला दे रखा है, इसमें अपर हाफ दे रखा है हमारे पास कोडोमेन, सॉरी है ना, इसमें ये हमारे पास अपर हाफ जो है ये हमारे पास कोडोमेन है, और हम जानते हैं इसके अंदर कोई भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो वो इस कर्व को कहीं ना कहीं एक जगह कट करेगी, मतलब ये हमारे पास ऑनटो हो जाएगा। तो ऑनटो होने के लिए कोडोमेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको देखना है कि जो कर्व है वो कोडोमेन में अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो वो उस कोडोमेन में कर्व को एक पॉइंट पे कम से कम कट करना चाहिए, तो वो वहां पे क्या होता है, ऑनटो होता है। अगर नहीं करेगा तो वो ऑनटो नहीं होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, इसमें आपके सामने कुछ और एग्जांपल देता हूं, उससे आपको समझ में आएगा। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है एफ आर टू आर विद द फंक्शन, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर ऑनटो, मान लीजिए साइन एक्स दे रखा है। अब देखो आर टू आर दे रखा है ना, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं साइन एक्स का ग्राफ, है ना। सुन, साइन एक्स का ग्राफ लेते हैं ना, तो हम जानते हैं साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है ना, है ना, और ये सुनिए माइनस आपके पास आर टू आर दे रखा, मतलब ये हमारे पास इसका जो आ रहा है ये माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट है। हम देखो यहां पे लाइन खींचेंगे तो ठीक है कर्व खींच रहा है, पर अगर यहां लाइन खींचूं या यहां लाइन खींचूं तो इस कर्व को कहीं कट नहीं कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये ऑनटो नहीं होगा, क्लियर है। इस टाइप से अगर हम एफ एक्स इजिकल टू मोड एक्स की बात करें तो एफ एक्स इजिकल टू मोड एक्स का जो ग्राफ होता है ये ऐसा होता है, राइट, है ना। हम जानते हैं यहाँ पे कि यहाँ लाइन खींचे, यहाँ लाइन खींचे तो इसको करेगा, पर स्टूडेंट इसका कोडोमेन जो है वो आर है, मतलब माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट है, राइट। हमारे पास ये पूरा वाई एक्सिस कोडोमेन होता है, पर यहाँ लाइन खींचेंगे तो इस ग्राफ को ये कट नहीं करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी ऑनटो नहीं होगा। हाँ, अगर हमारे पास इस वाले क्वेश्चन में कोडोमेन जीरो टू इन्फाइनेट हो जाता, मतलब ये हमारे पास हो जाता, तो हम कह सकते थे कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑनटो हो जाएगा। हाँ, जैसे साइन एक्स है, अगर साइन एक्स में हमारा जो कोडोमेन है वो अगर माइनस वन टू वन हो जाता, मान लीजिए अगर हमारे पास ऐसा होता एफ आर टू आर माइनस वन टू वन ऐसा होता, तो फिर ये साइन एक्स हमारे पास क्या हो जाता, ऑनटो हो जाता। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये देखने की जरूरत है कि जो ग्राफ कोडोमेन आ रहा उस कोडोमेन में ग्राफ होना चाहिए, तो वहां पर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे हम तो वो कहीं ना कहीं एक एटलीस्ट वन पॉइंट पर क्या करनी चाहिए, कट करनी चाहिए, राइट। जैसे हम बात करेंगे थर्ड ऑप्शन के बारे में,
मतलब ये हमारे पास ऑन टू नहीं है, ये हमारे पास ऑन टू नहीं है। अब बात करेंगे साइन इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और हम जानते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास इस टाइप का ग्राफ होता है, और हम जानते हैं कि एक्स के कोई भी हम लाइन खींचेंगे माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट, तो कम से कम एक पॉइंट इसको कट करता ही करता है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। और कॉस एक्स तो होता भी नहीं, क्योंकि कॉस एक्स की बात करेंगे इसका ग्राफ हमारे पास ऐसा होता है, राइट, ये हमारे पास इसका ग्राफ होता है। तो इसमें ये भी हमारे पास देखेंगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच रहे हैं, यहाँ तो कट कर रहा है पर ऊपर और नीचे नहीं कट कर पा रहा, क्योंकि माइनस आठ मतलब रियल नंबर है, माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट है, तो इसमें ये भी हमारे पास ऑन टू नहीं होगा। सो डी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। इसमें एक और एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए। इसमें ये क्वेश्चन देखिए आप, अब देखा एफ आर टू माइनस वन टू वन, इसमें कोडोमेन जो आ रहा है वो माइनस वन टू वन आ रहा, राइट। अब बात करेंगे साइन एक्स, है ना, तो इसमें साइन एक्स की बात करेंगे तो साइन एक्स का ग्राफ हमारे पास इस टाइप का होता है, राइट, है ना, ऐसा होता है। तो ये माइनस वन, इसमें ये हमारे पास कोडोमेन है, मैं देख बता दूं आपको कि ये हमारे पास कोडोमेन है, क्लियर है, ये हमारे पास कोडोमेन है। अब इस कोडोमेन में कोई भी लाइन खींचे आप, चाहे यहाँ खींचे, चाहे यहाँ खींचे, चाहे कहीं भी खींचे, अल्टीमेटली एटलीस्ट वन पॉइंट पे तो ये कर्व को काटेगा ही काटेगा, है ना। एक से ज्यादा पे कट करे तो कोई नुकसान नहीं है ना, कम से कम एक पॉइंट पे कट करना चाहिए, इससे ज्यादा भी कर सकता है ना, पर कम से कम एक पॉइंट पे कट करना चाहिए। तो इसमें ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑनटू हो जाएगा, राइट। कॉस एक्स की बात करें तो कॉस एक्स का कंसेप्ट भी ये कहीं रहेगा, राइट, है ना। कॉस एक्स का हमारे पास जो ग्राफ होता है वो किस टाइप से होता है, ऐसा होता है, राइट। और ये हमारे पास माइनस वन टू वन है कोडोमेन, अब इसके बीच में कोई भी लाइन खींचूं मैं तो कम से कम एक पॉइंट तो कट कर ही रहा है ना, तो इसमें ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑनटू हो जाएगा। अब इसमें बात करेंगे वन बाई टू साइन एक्स, राइट। अब वन बाई टू साइन एक्स आएगा तो याद रखने की जरूरत है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। अब 1 बाई टू साइन एक्स है ना, तो इसका एम्पलीट्यूड जो आ रहा है वो 1 बाई टू हो रहा है ना, तो आपको याद रखने की जरूरत है इसका जो ग्राफ होगा हमारे पास, है ना, अल्टीमेटली हमारे पास जो कोडोमेन है वो क्या है, इसमें माइनस वन टू वन है ना, ये हमारे पास वन लाइन है और ये हमारे पास माइनस वन लाइन है, राइट। दिस इज वन लाइन, दिस इज माइनस वन लाइन, राइट। पर जब 1 बाई टू साइन एक्स होता है तो इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो आधा हो जाता है, राइट, मतलब ये 1 बाई टू आधा हो जाएगा, राइट, ये इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा, क्लियर है। मतलब ये जाएगा मैक्सिमम जाएगा वन बाई टू पे और मिनिमम जाएगा माइनस वन बाई टू पे, राइट। इसका मतलब ये देखो साइन, अब आप बोलोगे सर ये कैसे पता पड़ेगा, अरे भाई साइन जीरो की वैल्यू रखोगे तो जीरो आएगा, साइन पाई बाई टू रखोगे तो वन बाई टू आएगा, मैक्सिमम वैल्यू वन बाई टू होगी इसकी, है ना, क्योंकि साइन जो होता है वो माइनस वन से वन जाता है, पर वन देखो वन बाई टू है और हम जानते हैं कि माइनस वन से वन होता है, राइट, तो जैसे अंदर घुसेगा तो माइनस वन बाई टू से वन बाई टू हो जाएगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, और माइनस वन बाई टू से वन बाई टू इतना ही जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर वाला पोर्शन, क्योंकि इसका डोमेन जो है, सॉरी कोडोमेन है, वो माइनस वन से वन, अगर मैं ऊपर कोई लाइन खींचूं या ये नीचे लाइन खींचूं एक्स एक्सिस के पैरेलल तो इस कर्व को कट ही नहीं करेगी, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं होगा, राइट। हाँ, यहां जरूर कर रही है, यहां जरूर कर रही है, पर इस कोडोमेन के अंदर माइनस वन टू वन के अंदर वन बाई टू से ऊपर वन के बीच में या माइनस वन बाई टू से माइनस वन के बीच में कोई भी हम पैरेलल लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस के तो वो इस ग्राफ को कट नहीं करेगी। इट मीन्स ये हुआ कि ये हमारे पास ऑन टू नहीं होगा। तो आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर ऑन टू, तो यहां पे ए ऑप्शन और बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें ये और ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, गलत होंगे। तो इस तरीके से हम यहां पे ऑन टू फंक्शन देख सकते हैं, इसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। अगर कोई भी फंक्शन वन वन है उसको हम इंजेक्टिव बोलते हैं, कोई भी फंक्शन ऑन टू होता है उसको हम सर्जेक्टिव बोलते हैं, अगर कोई फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों है तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव बोलते हैं। तो इस पर मैं बाइजेक्टिव पे मैं आगे एक और ट्रिक लिखाने वाला हूं, तो मुझे लगता है कि आपको यहां पे ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। और स्टूडेंट अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर जरूर करिए ताकि जितने लोग इसको देखेंगे जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा मैं आगे वाले भी वीडियोस इस टाइप के बनाता रहूंगा। और ग्रुप थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा पर बात कर चुका हूं मैं ना, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इन सभी भी शॉर्ट ट्रिक्स लेके आने वाला हूं, तीन से चार मिनट में आपको चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो लास्ट में मेरी जो प्लेलिस्ट है स्टूडेंट, ये मेरी शॉर्ट ट्रिक की प्लेलिस्ट है, जहां पे काफी सारी शॉर्ट ट्रिक्स मैं अपलोड कर रहा हूं और कर चुका हूं, और ये मेरे जनरल एप्टीट्यूड की वीडियोज हैं जो सीएसआईआर नेट और गेट एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और ये दोनों मेरे चैनल स्टूडेंट, ये नया चैनल जिसपे अभी मैं काम कर रहा हूं, और ये मेरा पुराना चैनल जहां पर आप हायर मैथ्स की वीडियोज देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।